दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर को पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन करके खेलने के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ्री फायर को पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन करके खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान सर्वर में कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं और कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं या वहाँ के प्लेयर के साथ आप प्लेइंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि कैसे आप फ्री फायर को पाकिस्तान सर्वर में खेल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फ्री फायर को पाकिस्तान सर्वर में खेलने के लिए सबसे पहले आपको एक वीपीएन की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपको पाकिस्तान सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीपीएन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई फ्रेश ईमेल आईडी है उसी से आपको लॉगिन करना है पाकिस्तान सर्वर में, या आपके पास कोई फेसबुक अकाउंट है जिससे आप कभी फ्री फायर में लॉगिन नहीं किए हैं उस फेसबुक अकाउंट का भी यूज करके आप फ्री फायर में लॉगिन कर सकते हैं। पर यहां पर सबसे पहले आपको वीपीएन को डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों मैं यहां पर उस वीपीएन को डाउनलोड कर लेता हूं जिससे आप फ्री फायर को अपने पाकिस्तान सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर उस वीपीएन का नाम है क्विक वीपीएन। तो दोस्तों जैसे आप यहां पर क्विक वीपीएन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे यहां पर, उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहां पर क्विक वीपीएन बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, यहां पर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद पाकिस्तान सर्वर में कनेक्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आपको इस वीपीएन को अनइंस्टॉल कर देना है, इसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहां पर अपने फोन में क्विक वीपीएन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप फ्री फायर में यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि वीपीएन डाउनलोड हो गया, आसानी से हम पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप वीपीएन को डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर सिंगापुर सर्वर का ऑप्शन दिखेगा, सिंगापुर सर्वर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एरो का निशान दिख रहा है, इस पर आपको ऊपर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका ये वीपीएन सिंगापुर सर्वर से कनेक्ट कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीपीएन को आपको मिनिमाइज कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने फ्री फायर गेम को ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने फ्री फायर गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना फ्री फायर ओपन कर लिया है। अब आपके यहाँ पर जो आपका मेन आईडी है उसको आपको यहाँ पर लॉग आउट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी मेन आईडी को लॉग आउट कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई फ्रेश फेसबुक अकाउंट है उससे आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यदि आपके पास फ्रेश फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई एक नया ईमेल आईडी बना लेना है, उस ईमेल आईडी से आपको पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर साइन इन विथ गूगल पे आपको क्लिक करना है और उस ईमेल आईडी या फेसबुक से लॉगिन कर लेना है जिससे अभी कभी भी आपने फ्री फायर में लॉगिन नहीं किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फोन में यहाँ पर बहुत सारे ईमेल आईडी है, मैंने पहले से एक फ्रेश ईमेल आईडी बना रखा है, तो मैं यहाँ पर उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी किसी फ्रेश जीमेल या फ्रेश फेसबुक अकाउंट से इसमें लॉगिन करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है, मैं यहाँ पर टैप टू बिगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ्री फायर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर बिगिनर पे क्लिक करके यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कोई एक अपना निक नेम रख लेना है, तो मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर फ्री फायर ओपन होने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेन काम आपको यहाँ पर करना है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट रीजन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर अपना रीजन सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान सर्वर में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप यहाँ पर बांग्लादेश, नॉर्थ अमेरिका, सिंगापुर सर्वर में भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान पर क्लिक करना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आप यहां पर पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर जितने भी पाकिस्तान सर्वर में इवेंट है उनको देख सकते हैं और यहां पर पाकिस्तान सर्वर में आसानी से खेल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पाकिस्तान सर्वर में एक आईडी बन चुका है। अब मैं आपको यहां पर सेटिंग पर क्लिक करके दिखा देता हूं कि हमारा रीजन कौन सा दिखा रहा है। तो मैं यहां पर सेटिंग पर क्लिक कर दिया हूं और आप देख सकते हैं यहां पर रीजन में पाकिस्तान शो कर रहा है। दोस्तों इस तरह से आप भी फ्री फायर को पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन करके यहां पर प्लेइंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जिस भी ईमेल आईडी से आपने पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन किया है उस ईमेल आईडी को आपको सेव करके रखना है और आपको वीपीएन को अनइंस्टॉल कर है, क्योंकि अब आपको वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी अपने इस ईमेल आईडी या फेसबुक से इसमें लॉगिन करेंगे तो आपका फ्री फायर पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके आप फ्री फायर को पाकिस्तान सर्वर में लॉगिन करके प्लेइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मेरी वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।